हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे एक उभरते हुए सितारे के बारे में जिसका नाम है BPCL। तो BPCL में एक ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने इसमें डाइवेस्टमेंट प्लान किया है। डाइवेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट इसे बेचना चाह रही है, और अभी करेंटली गवर्नमेंट के पास इसमें 52.98% स्टेक है। और डाइवेस्टमेंट का एक एस्टिमेट है कि ये 80,000 करोड़ आसपास के वैल्यूएशन पे बिकेगी। और कुछ कुछ कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाई है, जैसे वेदांता हुई, कुछ कुछ प्राइवेट इक्विटी फॉर्म्स हैं जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। और ये डाइवेस्टमेंट का टाइम पीरियड अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी प्रोसेस चल रहा है, और जब ये होगा तो एस्टिमेट्स आए हैं कि एटलीस्ट ये 700 साढ़े 700 रुपीज़ पर शेयर के रेट में के प्रीमियम पे मिल सकता है उस समय। तो ये अभी के करंट मार्केट प्राइस जो कि 439 है, उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूँगा कि इसका क्रूड ऑयल से क्या रिलेशन है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑयल एंड गैस कंपनीज में एक टाइप ऑफ होता है अपस्ट्रीम कंपनीज, अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनीज, जैसे ONGC हुई, ऑयल इंडिया हुई। तो जब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो इन कंपनीज का फ़ायदा है, तो ये कंपनीज का बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। और जैसे कि डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनीज हुई, जैसे BPCL हुआ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हुआ, इंडियन ऑयल हुआ, तो ये सब कंपनीज पे बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के रेट का नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि इनके मार्जिन्स इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया आने वाले महीनों में, तो इसके वैल्यूएशन में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये रिफाइन करती है क्रूड ऑयल को, तो ये डाउनस्ट्रीम कंपनी है, तो इस पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है क्रूड ऑयल के बढ़ते रेट्स का। तो अभी हम देखते हैं करंट मार्केट प्राइस है इसका 439, और ये अभी 482 का हाई बनाया था इसने 3 मार्च को। तो अब ये देखना है कि ये गिरा क्यों, अभी इतने नीचे कैसे आ गया ये इसने लो भी बनाया था 426 का। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही डिविडेंड अनाउंस किया था, और मार्केट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे डिविडेंड्स एक्सपेक्ट कर रही थी। इन्होंने सिर्फ मात्र 5 रुपये का डिविडेंड दिया था, जिसके कारण बहुत ही सेलिंग प्रेशर आया। ऊपर से ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी खराब था, FIIs बहुत सेलिंग कर रहे थे, इसलिए इसके प्राइस में बहुत इफेक्ट आया था। और अभी जी न्यूज़ के एक स्पेशल रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी अपने सब्सिडरीज बेचने का प्लान कर रही है, और इसके कारण ऐसा हो सकता है कि ये लोग एक स्पेशल डिविडेंड दे, जिसका रेंज 50 to 80 आसपास अज्यूम किया जा रहा है कि होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो डिविडेंड वाली कंपनीज ऐसे भी बहुत अच्छी होती हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट्स कह सकते हैं इन्हें। और इसमें और भी, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ है, तो अगर डाइवेस्टमेंट सक्सेसफुल हुआ तो ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और प्राइस भी अभी इसका थोड़ा डिप हुआ है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और अगर आप इसे एक्वायर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये बहुत हेल्दी डिविडेंड्स देता है, न्यूज़ भी है, तो आप देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।